आज हम ऐसे एक बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको ना तो कोई दुकान खोलनी है, ना कोई सामान लेना है और ना कोई सामान बेचने के लिए कस्टमर ढूंढना है। आप ढेर सारी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे जिन्हें ढूंढता हुआ कस्टमर खुद आपके पास आएगा, और इनके लिए भी ना तो आपको कोई ऑफिस चाहिए, ना एम्प्लॉयज की जरूरत होगी और ना ही कोई इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे। बस आपका ये मोबाइल फोन ही काफी होगा जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जिनके लिए कुछ चाहिए ही नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि आप लोगों को पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, PFEIC रजिस्ट्रेशन और उनकी करेक्शन जैसी सर्विसेज देंगे। साथ ही कुछ पर्सनल फिनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपनिंग, पैसे जमा करना, निकालना, क्रेडिट कार्ड बनवाना, लोन दिलवाना, मोबाइल व अन्य बिलों का भुगतान करना जैसी भी सर्विसेज देंगे। अब ये सब सुनकर आपके मन में दो सवाल तो जरूर आ रहे होंगे। पहला कि इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हमें अच्छे से चीजों को सीखना होगा, आखिर ये सब काम हम कैसे कर पाएंगे। और दूसरा कि मान लीजिए हमने ट्रेनिंग वगैरह लेकर या फिर जैसे तैसे इन चीजों को सीख भी लिया, तो भी हमारे पास कम से कम एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम तो चाहिए ही होगा, सिर्फ मोबाइल से हम इतना कुछ कैसे कर पाएंगे। तो आपके इन दोनों सवालों का यही जवाब है कि आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स लेकर एक पोर्टल पर अपलोड करना होगा, उसके बाद का सारा प्रोसीजर एक कंपनी करके देगी जो आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि ये सारे काम तो हम गवर्नमेंट की CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर लेकर भी कर सकते हैं, तो फिर इसके लिए किसी प्राइवेट कंपनी से क्या जुड़ना। तो बता दूं कि CSC और इस काम में बहुत फर्क है। आप इस कंपनी से जुड़कर न केवल लोगों के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं बल्कि उनके बिजनेस से रिलेटेड सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स भी बना पाएंगे, जैसे किसी भी बिजनेस या कंपनी का रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन और GST की सारी सर्विसेज, इनकम टैक्स की सारी सर्विसेज, पैन एप्लीकेशन, टैन एप्लीकेशंस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड पेरोल जैसी सारी सर्विसेज। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब डॉक्यूमेंट्स भला कौन बनवाता होगा, तो बता दूं कि आज का और आने वाला समय बिजनेस का ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 तक इंडिया में 1.5 मिलियन से भी ज्यादा कंपनीज थी और अप्रैल 2023 से लेकर अब तक लगभग 70,000 कंपनीज और बनी, यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। और ये आंकड़ा तो सिर्फ उन कंपनियों का है जो बड़े लेवल पर शुरू की गई हैं। अगर छोटे और मीडियम क्लास के बिजनेसेस की भी बात करें तो ये आंकड़ा कहीं और ज्यादा होगा। आजकल के बढ़ते हुए फ्रॉड और गवर्नमेंट की सख्ती के चलते हर कोई अपने बिजनेस को लीगल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। और तो और RBI की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोई बिना GST नंबर के अपना करंट अकाउंट तक नहीं खोल सकता। और अभी हाल ही में पूरे देश में CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया गया है। ऐसे में इंडिया में रहने के लिए हर किसी के पास उसके अपडेटेड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। जिसके पास भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे वो परेशानी में पड़ सकता है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है। ऐसे में इंडिया में अपनी सिटीजनशिप बनाए रखने के लिए या फिर स्मूथली अपना बिजनेस रन करने के लिए लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स पर तो काम करना ही होगा। साथ ही आप लोगों का बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट वगैरह खोल पाएंगे, फंड ट्रांसफर एंड डिपॉजिट, बिल भरना और बहुत कुछ कर पाएंगे। यानी कि इस बिजनेस में पोटेंशियल तो बहुत तगड़ा है, और ये बिजनेस अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़कर करते हैं तो आपके लिए ये सारे काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको सिर्फ लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना है और अपनी ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करनी है, और जब भी लोग आपसे अपना काम करवाने आए तो आपको उनके डॉक्यूमेंट्स लेकर कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। उसके बाद की सारी हेडेक कंपनी की होगी। और इस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है उसका नाम है व्यापार सेवा केंद्र। अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि मार्केट में तो कुछ और भी कंपनीज हैं जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं, फिर व्यापार सेवा केंद्र में ऐसा क्या ही खास है। तो बता दूं कि ऐसा एक नहीं, कई सारे बेनिफिट्स और सपोर्ट्स हैं जो आपको व्यापार सेवा केंद्र के अलावा कहीं नहीं मिलने वाले। जैसे इनका बहुत ही सिंपल और यूजर फ्रेंडली लॉगिन पोर्टल। ज्यादातर ऑनलाइन पोर्टल्स जो इस तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स का काम करते हैं बहुत ही ज्यादा टेक्निकल होते हैं जिससे हर कोई उन पर काम नहीं कर सकता, लेकिन व्यापार सेवा केंद्र का फ्रेंचाइज लॉगिन पोर्टल बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। कोई भी बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान जो स्मार्टफोन यूज करना जानता है बहुत ही आसानी से अपने इसे मोबाइल फोन से ही मैनेज कर सकता है। दूसरी चीज,
सबसे अच्छा कमीशन रेट। व्यापार सेवा केंद्र के साथ आप 100% से भी ज्यादा का कमीशन अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी का 200 रुपए का फिक्स कमीशन है और आप इनके लिए कस्टमर से कितना भी अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। 200 रुपए कंपनी के माइनस करने के बाद सारा का सारा प्रॉफिट आप ही का होगा। जैसे एक GST रजिस्ट्रेशन में भी आपको कंपनी को सिर्फ 200 रुपए ही देना है और इसके लिए आप कस्टमर से कोई भी प्रीमियम अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। और ये तो आप भी जानते होंगे कि एक GST रजिस्ट्रेशन का 1500 से 2000 रुपए मार्केट रेट ही है। मान लीजिए आप एक GST का सिर्फ 1000 रुपए ही चार्ज करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट मिल सके, तो भी सिर्फ एक GST रजिस्ट्रेशन में आपको 800 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। और ये तो बस एक एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लोगों के पर्सनल और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की 250 से भी ज्यादा सर्विसेज आप ऑफर कर रहे होंगे। अगर एडिशनल बेनिफिट्स और सपोर्ट्स की बात करें तो व्यापार सेवा केंद्र आपको 4 तरह के फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। और ये सारी फ्रेंचाइजी सिर्फ 1-time इन्वेस्टमेंट वाली हैं। उसके बाद आपको लाइफ टाइम तक कंपनी को कोई भी रॉयल्टी या पेनाल्टी कभी नहीं देना है। ये कंपनी मोनोपोली फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करती है। मींस अगर आप एक बार अपनी एरिया में इनके फ्रेंचाइज पार्टनर बन गए तो लाइफ टाइम तक आपके एरिया में इनका दूसरा कोई पार्टनर कभी नहीं बन पाएगा। व्यापार सेवा केंद्र आपको कोई टारगेट भी नहीं प्रोवाइड करती। मींस अगर आप कोई जॉब या फिर दूसरा कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो इनके साथ जुड़कर पार्ट टाइम में भी काम कर सकते हैं। कंपनी की ओर से आपको कई सारे मार्केटिंग टूल्स भी दिए जाएंगे, जैसे बैनर्स, स्टैंडी बैनर, 500 विजिटिंग कार्ड्स और ऑनलाइन मार्केटिंग मटेरियल्स, जिनसे आपको मार्केटिंग में भी हेल्प मिलती है। आप इस बिजनेस को अपने घर से, किसी दूसरी दुकान से या ऑफिस से कहीं से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी स्पेशल स्पेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बस आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को स्ट्रांग बनाना है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स मिल पाए। अब अगर हम इनके चारों फ्रेंचाइजी मॉडल्स की बात करें तो सभी में ही आपको सारी सर्विसेज का एक्सेस मिलेगा। फर्क बस लेवल का है। जैसे पहले दोनों फ्रेंचाइजी मॉडल्स में आप सिर्फ अपनी एरिया के फ्रेंचाइजी पार्टनर बनेंगे, तीसरे में आपको डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, तो चौथे में स्टेट लेवल की फ्रेंचाइजी मिलने वाली है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पहले मॉडल में आपको 15,000 रुपए देने होंगे, जो कि रिफंडेबल होंगे। मीन्स अगर आपने साल भर में कंपनी को 2 लाख का बिजनेस दे दिया तो आपकी पूरी फ्रेंचाइजी फीस यानी कि 15,000 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। दूसरे मॉडल में भी आप अपनी एरिया के ही फ्रेंचाइजी पार्टनर बनेंगे, लेकिन इसमें आपको 25,000 रुपए फ्रेंचाइजी फीस देनी होगी, जो कि पूरा का पूरा आपके वॉलेट में ऐड करा दिया जाएगा। जब भी आप किसी कस्टमर को कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उसमें से कंपनी का शेयर, जो कि 200 रुपए है, आपके वॉलेट से ही काट लिया जाएगा। यानी कस्टमर से आप जो भी चार्ज करेंगे वह पूरा का पूरा आपका ही होगा। और जब भी आपके वॉलेट में 25,000 रुपए खत्म हो जाएं, तो आप उसे फिर से रिचार्ज कर पाएंगे। मीन्स आप इसे जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल भी कह सकते हैं। तीसरा मॉडल है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसके लिए आपको 50,000 रुपए प्लस 18% का GST पे करना होगा। इसमें आप अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। इस मॉडल में अगर होने वाले अर्निंग की बात करें तो आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो भी बिजनेस आएगा उसका 10% शेयर सीधे आपको मिलेगा। इसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फ्रेंचाइजी ओपन होंगे उनमें भी प्रति फ्रेंचाइजी आपको 10,000 रुपए अलग से मिलेंगे। अब अगर चौथे मॉडल की बात करें तो ये है स्टेट लेवल की फ्रेंचाइजी। इसमें आपको 5,00,000 रुपए प्लस GST पे करना होगा। अगर इसमें होने वाली अर्निंग की बात करें तो आपके पूरे स्टेट में फ्रेंचाइजी से कंपनी को जो भी रेवेन्यू मिलेगा उसका 10% सीधा आपको भी मिलेगा। यानी अगर कंपनी को एक महीने में आपके स्टेट की सारी फ्रेंचाइजी से 10,00,000 का रेवेन्यू आता है तो आपको उस महीने में 1,00,000 रुपए मिलेंगे। देखिए, वैसे तो इनकी फ्रेंचाइजी कोई भी ले सकता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है जिनके पास ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हों, या फिर जो लोग पहले से ही बैंकिंग, फिनांस और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों। ऐसे लोगों को ये बिजनेस पहले दिन से कमाई करके देने वाला है। अब अगर व्यापार सेवा केंद्र की बात करें तो ये GST सेवा केंद्र की ही एक एसोसिएट कंपनी है, जिसके ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर पूरे इंडिया में मिल जाएंगे। कंपनी की वेबसाइट पर आपको इनके सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आप गूगल पर भी व्यापार सेवा केंद्र सर्च करते हैं तो आपके सामने इनकी वेबसाइट www.vyaparsevakendra.in आ जाएगी। अब तक 200 से भी ज्यादा मीडिया हाउसेस में इनका प्रमोशन किया जा चुका है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, जिनमें से 5 तो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं,
जैसे मिड डे, ANI न्यूज़, द प्रिंट, लेटेस्टली और ऐसे ही। तो अगर आप भी इनके साथ जुड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी कंपनी की डिटेल्स मिल जाएंगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको इनके कॉन्टैक्ट फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंपनी को दे सकते हैं, कंपनी की टीम आपसे कॉन्टैक्ट जरूर करेगी। उम्मीद है व्यापार सेवा केंद्र से जुड़ी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।